चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि गुड हमने मॉर्निंग पिछले क्लास सर। में 12th ज्योग्राफी के अध्याय 5 का बहुत सारे पॉइंट पढ़ा दिए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट होगा मेरे भाई पेय फसल। मेरे भाई, पेय फसल उस फसल को कहा जाता जिसको हम मुख्य रूप से पीने वाले पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे चाय को हम पीते हैं तो चाय में जिस चीज का उपयोग करते हैं अर्थात चाय पत्ती का उपयोग करते हैं, तो चाय की जो खेती होती है चाय, तो वो हो गया पेय पदार्थ। उसके बाद कॉफी, कॉफी भी पेय फसल है। इस तरह से आप देखिएगा तो पेय फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत में दो तरह के फसल लगाया जाता है, चाय और कॉफी। अर्थात पेय फसल दो हो गया आपका, चाय और कॉफी। चाय कॉफी यही दो प्रमुख पेय फसल है। प्रमुख पेय फसल दो है, चाय और कॉफी। इन्हीं दोनों के विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले चाय को बीच में आप देखिए, एक बार पेन को नीचे रखिए और इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। चाय भारत के ही नहीं पूरी दुनिया की प्रमुख पेय फसल है। इसका जन्म स्थान इंग्लैंड में है। इंग्लैंड से यह 1840 ईस्वी में भारत लाया गया और भारत में इसकी खेती शुरू हुई थी, और फिर आज चाय की खेती भारत में काफी अधिक हो रही है। भारत की चाय की मांग पूरी दुनिया में है। शायद दार्जिलिंग का चाय सुने होंगे ना, दार्जिलिंग की चाय विश्व विख्यात है स्वाद में। अब इसको हम आगे बताने से पहले मैं आप लोग से एक चीज जानना चाहता हूं कि कभी आप लोग सोचे हैं कि आखिर चाय क्यों लोग पीते हैं, चाय में क्या होती है, क्या रहती है? क्या आप लोग बता पाएंगे कि चाय लोग क्यों पीते हैं? जी सर, बता सकते हैं। माथा दर्द को ठीक करने के लिए, शरीर में ताजगी लाने के लिए सर जी। ताजगी लाने के लिए। अच्छा जी अच्छा सर, शरीर में फुर्ती लाने के लिए। सर क्यों फुर्ती उसे क्यों आ जाएगा, उसमें क्या है सो फुर्ती आ जाए? सर चाय पीने से सर भूख कम लगती है। भूख को कम करने के लिए भी चाय पिया जाता है, यही ना? यस सर, इसका पदार्थ मतलब भूख को कम करने के लिए चाय पिया जाता है। मेरे भाई, हाँ सर, जब उपस्थित नहीं रहता है तो बीच में चाय पी सकते हैं। जी अच्छा, तब भूख कम हो जाती है नहीं? चलिए ठीक सर, है, आप लोग के सुझाव मैंने सुना। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को कि हमने जो मूल चीज जानना चाह रहा था वो आप लोग नहीं बता पाए। मेरे भाई, चाय में जो है थीन नामक, TheeIn, ये थीन नामक पदार्थ पाया जाता है चाय के पत्ती। और वह थीन जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के सेल काम करते करते थक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जैसे फूलने मुरझा जाते हैं, पानी उन्हें छिड़ता थोड़ा सा ताजा हो जाते हैं, तो वह मुरझा जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो कुछ देर के लिए वह थीन शरीर में जाकर सब सेल को फिर
से एक बार सक्रिय कर देते, कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि सदा के लिए, कुछ समय के लिए उसको फिर से ताजा कर देते हैं, एनर्जी मिला देते हैं। अतः कोई बहुत सारे बच्चे बताया भी था, चाय मुख्य रूप से ताजा होने के लिए लोग पीते हैं, इसलिए सुबह हम पीते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग भगवे रहता है और चाय जब पी लेते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। जब थक जाते हैं बहुत काम करते करते तो लगता है कि अब मेरा सारा सेल एक बार बैठ गया है, थक गया है, तब फिर इसका उपयोग लोग करते हैं। तो शायद समझ में आ गया कि चाय में थिन नमक पदार्थ है जो शरीर में जाने के बाद कुछ समय के लिए शरीर को ताजा कर देते हैं, शरीर में जो भी सेल काम करना या कहिए मुरझा जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, उसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं कुछ समय के लिए, इसलिए इसको पिया जाता है। लेकिन इसको जब ज्यादा पी लेते हैं तो खराबी भी करता है, तो जो कम लगता है वो ज्यादा पीने वाले को, इसका आज तो इसका शौक बन गया है, हर घर में जाइए तो प्रतिष्ठा बन गया है उसको देना है, वो ये नहीं सोचता है कि क्यों पिया जाता है, सिर्फ सोचता है कि अब प्रतिष्ठा है। कुछ लोग तो प्रतिष्ठा के कारण से पीते हैं, पिलाते हैं, बात है ना सही जी सर। जो भी हो तो हम लोग आज चाय के विषय में जानेंगे, ठीक। तो चलिए हम चाय को बीच में लिखते हैं, चाय के विषय में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग से बात करूंगा, वो सुन लीजिए, वो सुन लीजिए एक बार। शायद कोरोना की जो रफ्तार है उसे सभी वाकिफ हो गए होंगे कि वर्तमान जो रफ्तार है वह पिछले साल से भी काफी अधिक है, और इस स्थिति में सरकार इसको रोकने के लिए कुछ भी अगर डिसीजन ले रहा है तो कम है, ज्यादा डिसीजन लेना चाहिए, और सरकार ये लोकतंत्र है इसलिए थोड़ा दब के डिसीजन लेना ले रही है। मैंने कहा था ना 18 तारीख तक जो लिया है डिसीजन निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तो बता रहा है ना कि किस तरह से क्या करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, ये लोकतंत्र है, इसको मूर्खों की शासन कहा जाता है, यहाँ पर नहीं देखता है कि जनता क्या है, नहीं है, जनता सिर्फ समझता है कि सरकार है, सरकार है, सरकार तो आप है, इस चीज को नहीं जनता समझती है कि सरकार हम है। फिर सरकार क्या करती है, ताकि उसका विरोध नहीं हो, कुर्सी बचा रहे, इसी को ध्यान में रखकर हर काम करती है, और फिर एकाएक नहीं किया, दो दिन तीन दिन बढ़ाया, फिर आप शायद मालूम होगा 15 मई तक स्कूल कॉलेज बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। अब देखिए 15 मई तक कंट्रोल होता है कि नहीं, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि विनती करता हूँ कि किसी तरह से देश दुनिया की हालत ठीक हो जाए, इस कोरोना से छुटकारा पाले, और खास करके इस 12th के बच्चे जो 11th में भी नहीं पढ़ पाया, 12th में भी उसका वही हाल हो रहा है, तो फिर आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे जो कंपटीशन के एग्जाम होगा क्या इसको इग्नोर करके चलेगा, क्या इस कोरोना साल के स्टूडेंट को कोई आरक्षण देगा, नहीं देगा आरक्षण, तो नहीं देगा तो इसकी भरपाई कैसे होगी, जो नहीं पढ़ा वो कैसे हो, बिना पढ़े हुए परीक्षा दे रहे, दिया रहे, पास करवा रहे, क्या उससे मेरिट हो जाएगा विद्यार्थी को, क्या आपको बिहार टॉपर का सर्टिफिकेट दे देगा तो क्या आपको मेरिट हो जाएगा, क्या आप कोई कंपटीशन फेस निकाल कर लेंगे, नहीं करेंगे मेरे भाई, इसकी भरपाई कौन करेगा। अतः कोरोना का प्रभाव इन दो साल के बच्चे पर निश्चित रूप से पड़ेगा और पूरे उम्र तक दिखाई देगा मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने सिलेबस का अध्ययन नहीं किया है। उसी कारण आज भी हमको बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, हम कैसे पढ़े, बड़ी तेरा अक्षम है अवल, आज किसके सगे संबंधी अपना घर में नहीं है, किसके सगे संबंधी में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, अगर पढ़ने की इच्छा होगा सगे संबंधी छोड़ दीजिए, गांव के कोई व्यक्ति होगा उसके पास आप जाके कहिएगा कि हमको पढ़ना है, तो वो आपको 45 मिनट के लिए मोबाइल दे सकता है मेरे भाई। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं तो यही जानता हूँ ये सब बहाना है, मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास झोला नहीं है तो मेरे पास स्कूल नहीं है, तो मेरे पास कॉलेज नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो पैसा नहीं है, ये सिर्फ बहाना है मेरे भाई। जो जुनून और इच्छा से कुछ भी सोच लेगा ना वो संभव है, इसलिए मेरे भाई किसी के मन में अगर किसी तरह का बहाना आया होगा तो उसको इग्नोर करते हुए मेरा साथ दो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ लो इससे कुछ ज्ञान लो, घर बैठे इस परिस्थिति में ये अमृत है, याद रखिएगा
ये लाइव क्लास आपके लिए अमृत है, याद रखिएगा इस चीज को, इस अमृत को थोड़ा सा भी मिस नहीं होने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है चाय। तो शायद चाय के विषय में हमने अभी भी बता दिए, अब हम चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा लिखने जा रहे हैं, जो पूछता है परीक्षा में बराबर। देखिए चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा, शायद मालूम ही है अनुकूल भौगोलिक दशा। जब बताने लगते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पढ़ते हैं तापमान, सबसे पहले तापमान, इसके लिए 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है। लिख लीजिए 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी, उसके बाद वर्षा, इसके लिए 150 से 250 सीएम वर्षा की जरूरत होती है। सीएम वर्षा की जरूरत होती है। उसके बाद मिट्टी, मेरे भाई मिट्टी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़े, इसके लिए ढालुनुमा उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है। ढालुनुमा भूमि किसको कहते हैं, जो थोड़ा सा ऐसे रहे ताकि इसके जड़ में अधिक समय तक जल जमाव नहीं हो सके। अगर इसके जड़ में जल का जमा होते हैं इसका पौधा सूख जाता है। अतः भूमि इस तरह की होनी चाहिए, बारिश अधिक होनी चाहिए लेकिन जड़ में पानी नहीं जमना चाहिए, इसलिए चाय की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भूमि ढालुनुमा होती है, शायद मालूम होगा आप लोग। अतः इसके लिए भूमि कौन चाहिए, उपजाऊ ढालुनुमा भूमि। और एक पॉइंट और होता है वितरण, वितरण मतलब हुआ किसकी खेती कहां कहां होती है। वर्तिका डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक मिनट मेरे भाई, हो गया क्या बात है वर्तिका, नेट स्लो चल रहा था क्या वर्तिका? फोन का नेट सर बैटरी खत्म हो गई। कौन सी बैटरी खत्म? सर जिस कर रहे थे ना उसका बैटरी खत्म हो गया। अच्छा 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 अच्छा, और कला से पहले देख लीजिए कितना चार्ज है नहीं चार्ज है, सब कुछ देख के बैठिए ना। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे समस्या आएगी ना तब उस समस्या पर ध्यान जाएगा, सब कुछ पहले देख लीजिए उसके बाद क्लास में बैठिए। तो मैं बता दूं आपको, चाय की सबसे खेती अधिक चीन में होती थी लेकिन वर्तमान समय में चाय की सबसे अधिक खेती भारत में होने लगी है और खपत भी सबसे अधिक भारत ही करते हैं, दूसरा नंबर पर चीन चल गया है। तो वितरण में लिख लीजिए, देखिए चाय का उत्पादन और खपत, चाय का उत्पादन और खपत वर्तमान में सबसे अधिक
विश्व में भारत कर रहा है? वर्तमान में सबसे अधिक विश्व में भारत कर रहा है। भारत के बाद चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि देश का स्थान है। भारत के बाद चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि देश का स्थान है। वितरण से आगे बोलिए तो फिर से वितरण से आगे बोलेंगे। वितरण में तो वही ना कि कहाँ कहाँ है, तो हमने बताया कि चाय की खेती सबसे अधिक अभी भारत में हो रही है। वर्तमान में भारत के बाद चीन, श्रीलंका और किसका स्थान है, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और कौन है, बांग्लादेश आदि का स्थान है। अरे अब आगे बढ़े, अगला है कॉफी। मेरे भाई कॉफी को ही कहवा भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉफी, हिंदी में कहा जाता है कहवा। इसको इंग्लिश में ही नाम यह है COFFEE कॉफी हो गया। ऐसी को हिंदी में कहता है कहवा, अर्थात इसी का या करके हम लिख दिए, ये भी होता है इसका। इंग्लिश में कॉफी कहते हैं, हिंदी में कहवा कहते हैं। थोड़ा सा पेन रखिए, इसके संबंध में सुन लीजिए। यह भी अंग्रेज के द्वारा है 1798 ईस्वी में भारत लाया गया था, और भारत में मालाबार तट के पास इसको लगाया गया था। और एक चीज याद रखना, इसका जो खेत होता है जहां पर लगाया जाता है, बगान हो गया, इसके बगान को कहता है फेजेंडा, फेजेंडा। और थोड़ा सा बता दूं, आपने चाय के विषय में सुने कि चाय के जो पत्ता होता है उसका काम आता है। इसमें क्या होता है, कॉफी में क्या होता है, तो छोटे छोटे बीज होता है, उस बीज को तोड़कर भूजा जाता है और भूज कर उसका पाउडर बनाया जाता है। उस पाउडर को कौन चीज का असर क्या था वहां, उस पाउडर का उपयोग क्या जाता है, तो वही बन गया कॉफी। कॉफी में थोड़ा सा ज्यादा थिन होता है, इसलिए इसको पीने के बाद थोड़ा ज्यादा ताजगी महसूस होती है। यही है कॉफी और चाय, लगभग दोनों में जो पाया जाता है कुछ वो लगभग सेम है, तो शायद कॉफी समझ में आ गया। अब इसका भी अनुकूल भौगोलिक दशा लिखना है, थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, टाइम कम है आपके पास। तापमान, इसके लिए तापमान मेरे भाई 15 डिग्री सी से 30 डिग्री सी की जरूरत होती है। उसके बाद वर्षा, वर्षा मेरे भाई इसके लिए 150 सीएम से 200 सीएम वर्षा की जरूरत होती है। उसके बाद मिट्टी, लेटराइट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है।
वितरण में लिख लीजिए थोड़ा जल्दी मेरे भाई, वितरण थोड़ा जल्दी में लिखिए, वितरण टाइम कम है मेरे पास। लेकिन विश्व में कॉफी उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का है, उसके बाद कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देश का स्थान आता है। विश्व में कॉफी उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है, इसके बाद कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देश का स्थान है। तो मेरे भाई मैं कॉफी पर 5 मिनट समय कल और लेंगे, एक बार सर रिपीट कीजिएगा। आज आपके समय अब समाप्त हो रहा है मेरे भाई, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आज की क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।